देखिए कुछ ऐसा है, ये नीचे की साइड इधर से देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से मैं इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है अयोध्या के दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के पास जो है यहाँ पे अंडरपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। और दोस्तों डेट एंड टाइम की बात करते हैं, दोस्तों आज है 26 सितंबर और बृहस्पतिवार का दिन है। बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे और अभी जो है बज रहे हैं 11:30 और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है इसलिए थोड़ा सा जो है 11:30 बजे आए हुए हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि सुबह में जो है वर्कर वगैरह काम करते हुए बहुत ही कम दिखते हैं और इस टाइम पर जो है काम वगैरह होते हुए दिखता है, तो यही वजह है कि थोड़ा सा इस टाइम पर आने पर जो है काम वगैरह दिखता है। और पीछे वह देख सकते हैं ये निर्माण कार्य किए जाए, तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं 26 सितंबर बृहस्पतिवार का बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट कितना हो चुका है। दोस्तों इधर के साइड से ये अचारी का सगरा पड़ता है, जो अयोध्या के होंगे वो जानते होंगे, और वो अचारी का सगरा वहाँ पे चौराहा पड़ता है, वो सीधा प्रयागराज मार्ग पे भी जाता है। और इधर से होते ये वाला मार्ग यहाँ से आते हुए इस पॉइंट पे यहाँ पे आगे क्रॉसिंग पड़ती है। अभी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं, पहले क्रॉसिंग थी बट इसको हटा के जो है अंडर पास बनाया जा रहा है। तो अभी मौके की स्थिति इधर के साइड की देख सकते हैं, ये सीधा एकदम होते हुए दर्शन नगर मार्केट पड़ेगी, मार्केट से होते हुए फिर सीधा NH 27 पड़ेगा और ये सीधा जो है एकदम निकल जाएगा आपका वहाँ पे अयोध्या हनुमानगढ़ी के पास जो है एक मार्ग निकलता है, उस पॉइंट पे जाके एकदम सीधा रामपथ पे निकलता है। एकदम सीधा बन जाने के बाद ये मार्ग जो है भविष्य नगर इसको सीधा किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा मार्ग हो जाएगा। अभी मौके की स्थिति इधर सबकी देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है मार्ग परिवर्तन अंडर पास का कार्य प्रगति पर होने से यह हमारे यातायात के लिए बंद है, आज्ञा से जिला अधिकारी, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए मोटे मोटे जो है लोहे के यहाँ पर पिलर्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो है ऊपर से टीन शेड छाया जा सके और बरसात हो तो जिससे कि इसके अंदर पानी ना भर सके, यही एक इसका वीक पॉइंट कहेंगे। जैसे बरसात के टाइम पे पानी इकट्ठा होना लाजमी है, ढलान पे है, ये सारी चीज़ें हैं। और इस पॉइंट पे दर्शन नगर के पास जो है 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं जो कि वो अपने आखिरी चरण में है, एक ये अंडर पास है और एक वहाँ पर। अभी हम चलते हैं आगे वहाँ पे, वो दर्शन नगर रेलवे स्टेशन यहाँ से कहीं से दिखता है तो आपको रुके थोड़ा सा दिखाते हैं आपको उस पॉइंट पे, वहाँ पे जो है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे, दूर मुझे तो दिख रहा है बट कैमरे में नहीं समझ में आया आपको, वो हल्का सा जो वाइट कलर का है सी आकार का जो फ्लाईओवर बन रहा है उस पॉइंट पर वहाँ से ऐसे बिल्कुल बन रहा है 14 कोसी पे गवा के लिए। और जो दर्शन नगर वाला फ्लाईओवर है उधर मेन रोड पर 4 लेन पर वो उधर के साइड, अभी देखते हैं ट्रैक पर से वो एकदम साफ साफ दिखेगा। तो हम जो है किधर से चलें, बीच में से साइड में निकलने के लिए जगह तो नहीं है, पहले चलते हैं इधर से होते हुए नीचे के साइड से दिखाते हैं फिर आपको आते हैं वापस, क्योंकि अब कहीं से भी रास्ता वगैरह नहीं है कि निकला जा सके। ये देखिए इन लोग का आतंक हर जगह है, खतरनाक तरीके से रहते हैं। देखिए कैसे वहाँ पे लोग चढ़े हुए हैं, अच्छे से पूरा काम को आखिरी रूप दे रहे हैं। देखिए कैसे ढलान पे है, मतलब आने वाले समय में बहुत ही आसान जो है आवागमन हो जाएगा। अच्छा देखते हैं क्या अभी कितना टाइम लगेगा बनने में, अभी कितना टाइम लगेगा बनने में इसको, दो महीने में कंप्लीट। चलिए बहुत बहुत अभिषेक टीटू सर्च करेंगे आएगा, ठीक अभिषेक टीटू, हाँ चलिए ठीक है काम करिए अपना जल्दी जल्दी। तो यहाँ नीचे से देख सकते हैं बिल्कुल ही जो है बॉल उठा दी गई, करीब कह सकते हैं इसको अभी 15 से 20 फीट की दीवार उठी होगी। अब इधर से तो ऊपर जाने के लिए है नहीं, इस साइड से ऊपर चले जाए। देखिए ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है तब इधर के साइड काम किया जाता है, जैसे उधर की मिट्टी एक निकाली गई फिर उसको लोहे को गाड़ के फिर मिट्टी को रोका जाता है कि इधर के साइड ना भागे मिट्टी। देखिए यहाँ पे उस लेवल तक जो है ये पूरा उठाया जाएगा इसको। देखिए कुछ ऐसा है, ये नीचे की साइड इधर से देख सकते हैं। अरे
सब लोग आ रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होइए। देखिए उसी लोहे की मैं बात कर, जो हैवी है पीछे के साइड लगे हुए हैं ताकि मिट्टी इधर के साइड ना भागने पाए। जब ये कंक्रीट की वॉल उठ जाएगी तो उसको हटा दिया जाएगा और मिट्टी वगैरह डाल दी जाएगी ताकि सब एकदम फिक्स हो जाए। इधर की साइड देख सकते हैं नीचे किस टाइप का है, थोड़ा सा ही आगे चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे अब इसी के अंदर से उस पार मतलब आना जाना होगा। देखिए ये पूरा पाइप के द्वारा जो है हमें बहुत तेज आवाज कर रहा है। आ चल रहे बाहर, पूरे जो है सामान बिखरे पड़े हैं और निर्माण कार्य में जो है आखिरी रूप अपना दे रहे हैं। आइए हम जो है अब चलते हैं, इधर से होते ऊपर से उधर से निकलते हैं। इधर से रास्ता है कि नहीं अभी ऊपर से? अच्छा ठीक है, ठीक चलिए हम चलते हैं दोस्तों उधर से ऊपर से। हम आपको उधर की साइड की चीज़ें दिखाते हैं क्योंकि अब इधर से रास्ता वगैरह बिल्कुल ही बंद है, तो बहुत ज़्यादा ढलान नहीं है कि इंस्टेंट ढलान है, थोड़ा सा ही है। दोस्तों हम जो है अब इधर से फिर से वापस आ गए हैं, अब इधर से चलते हैं इस साइड की ओर। इतना ये देखिए मार्ग जो है थोड़ा सा छोड़ा गया है ताकि जैसे इधर लोगों के घर वगैरह भी हैं तो इधर से आ जा सके। वहाँ पे दर्शन नगर रेलवे स्टेशन थी, अभी उधर से चलते हैं तो उधर से दिखाते हैं आपको। दर्शन नगर रेलवे स्टेशन का भी विस्तार होगा अच्छे से। देखिए यहाँ सब लोगों के घर बने हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है रोड वगैरह रहेगी आने जाने के लिए लोगों के। उधर के साइड भी है, ये देखिए किस तरीके से ये लोहे के पिलर लगे हैं, एंडिंग पॉइंट तक वहाँ तक पूरा वो रहेगा। और जो टीन शेड रहेगा वो गोलाई में रहेगा, मतलब पानी वगैरह बरसे तो पानी बाहर के साइड गिरे। देखिए यहाँ पे कैसे इसी मिट्टी को ये लोहे का जो अंदर गया हुआ है हैवी हैवी उसको क्या बोलते हैं, उसको निकाल कर फिर मिट्टी इधर बराबर कर दी जाएगी। इधर ये देखिए दर्शन नगर रेलवे स्टेशन यही है इधर। इधर कई सारी जो है पटरियां मतलब रहेंगी क्योंकि दर्शन नगर रेलवे स्टेशन इस पॉइंट तक जो है पूरा हो चुका है। अब इसके ऊपर से भी एक दो लाइन और आएगी इधर के साइड। देखिए एक लाइन यहाँ पे है प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए, देखिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए यहाँ से लाइन इधर के साइड गई हुई है, आगे की साइड होते हुए जाएगा मगर वो आगे उधर भी नहीं बना हुआ है अभी और इधर भी नहीं बना है। ये पूरा कंप्लीट इधर से ये कनेक्ट होगा और इधर के साइड भी ट्रैक वगैरह रहेगा ताकि ट्रेन वगैरह आके यहाँ पे भी खड़ी हो सके। देखिए इसके ऊपर पूरा एकदम स्लेप वगैरह अच्छे से पड़ चुका है। अभी देखिए छांव था फिर धूप हो गया। अब सोचिए उस पॉइंट से लेके ये पूरा इसके नीचे जो है एकदम वर्क हो रहा है, यहाँ से ये रेलवे ट्रैक वगैरह गए हुए हैं पूरे। देखिए उस वाले फ्लाईओवर की बात कर रहा था मैं जो 4 लेन बनाया जा रहा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है लेट हो रहा है, वहाँ पे फ्रेम का ही वर्क बचा हुआ है और इधर के साइड ढलान का वर्क बचा हुआ है क्योंकि इधर पूरी मार्केट ये पड़ती है, घनी मार्केट है तो अब इसका जो है टूटने का कार्य हुआ है। इसकी भी वीडियो दोस्तों सेम डे पर ही आएगी। और इधर ये पूरा दर्शन नगर रेलवे स्टेशन जो कि सी लेवल से 92.211 मीटर की ऊंचाई पे है। अब किधर से चला जाए, इधर से आ गए रास्ता वगैरह था जैसा बिल्कुल आपने उधर देखा था बिल्कुल सेम ऐसा ही इधर के साइड भी वर्क होगा। उधर के हो जाने के बाद पूरा जो है टीन शेड वगैरह रखने के बाद ये देखिए यहाँ पे
इस पॉइंट पे पूरा खुला है, यहाँ से वो कनेक्ट होगा पूरा सामने वहाँ पे दूर, वो पहले के टाइम का, बहुत पहले के टाइम का वो वहाँ पे द्वार बना हुआ है कोई, इतना छोटा सा, बट ये टूट जाएगा ताकि कनेक्टिविटी आसान हो पाए। इसके बाद जाने के बाद थोड़ी दूरी के बाद जो है दर्शन नगर मार्केट, अभी वहाँ तक चलते हैं, उधर से भी दिखाते हैं आपको। इधर से बगल से रास्ता है, इधर से चलते हैं। वहाँ पे भी दूर थोड़ा सा आपको वहाँ की फ्रेम दिखाते हैं, देखिए आपको शायद नज़र आए, देखिए वो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है ना, वो सी आकार वाला जो उधर के साइड वो फ्लाईओवर बन रहा है 14 कोसी के लिए, वो बन जाएगा तो इधर वाला जो कनेक्टिविटी इधर की मार की है, अभी हम उसकी वीडियो दिखाएंगे, तो उस वाले वीडियो में बताएंगे क्या चीज़ें कैसे हैं। पहले इधर वाले के बारे में आपको दिखा देते हैं आज। स्टेशन्स वगैरह पहले की तुलना में अब जितने हैं बहुत अच्छे अच्छे बन चुके हैं, लेकिन इन्हीं सब की मदद से जो है नीचे के साइड जुड़ा जो कंक्रीट का ढांचा तैयार किया गया, इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू जो है तैयार किया गया है। ये काफ़ी हैवी हैवी मतलब होते हैं ताकि पटरियां रुक सकें और ट्रेनें भी जा सकें और काम भी ना रुकें, इन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। देखिए यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए दिख रहा है ना इधर से, अभी तो पूरा मिट्टी वगैरह का जो है इधर के साइड लगी हुई मिट्टी हटाई जाएगी, वायर वगैरह देख सकते हैं कितने सारे वायर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टिविटी रहती है इन वायर की वजह से। देखिए इन सब पॉइंट्स पे भी यहाँ यहाँ पे सेम ऐसे ही लोहे के पिलर लगेंगे ताकि टीन शेड जो है वो लगाया जा सके। मौसम रह रहे के अच्छा हो रहा है और रह रहे के खराब हो जा रहा है, खराब का मतलब धूप निकल जा रही है, कितनी ज़्यादा गंदगी इधर सब है बताइए। अब बताइए लोग ऐसे ही अभी आ जा रहे हैं जैसा कि मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी इधर सब है। देखिए यहाँ से सामने दूर देख सकते हैं, उस पार दिख रहा है बिल्कुल, तो उधर होने के बाद फिर इधर के साइड जो है काम तेज़ी से करेंगे। इधर के साइड ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जो है मे बी टूट जाएगा ताकि कनेक्टिविटी आसान हो पाए। अब देखिए इस साइड की और यहाँ से ये रोड है पूरी, और सामने यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह देखिए आ जा रही हैं, टेम्पो वगैरह खड़ी हुई हैं, ऐसे में वो दर्शन नगर मार्केट है पूरी, और सीधे ठीक निकल जाएंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या चीज़ें कैसे हैं, इधर से भी देख सकते हैं ये, इसमें कई लोग दुकान भी खोले हुए हैं, इधर भी इधर भी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अभी मौके पे जो है अंडरपास का निर्माण कार्य हुआ है, तो फिर मिलते हैं आपको उधर वाले फ्लाईओवर की वीडियो के साथ, जो 14 कोसी पे बनाया जा रहा है उसका निर्माण कार्य कितना हुआ है, सेम डे पे ही अपलोड होगी जितनी ज़्यादा वीडियो हो पाए। तो मिलते हैं आपको उधर वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।